नमस्कार, ऐसे न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग हैं आकाशवाणी दूरदर्शन पर और हमारे साथ मौजूद हैं ओपी गौतम साहब, जो एससी एसटी ओबीसी के वेलफेयर महासचिव हैं। गौतम साहब, आपका हमारे चैनल में आपका स्वागत है ऐसे न्यूज़ में। धन्यवाद आपका चैनल के लिए कि जो कि हमारे डिपार्टमेंट की जो रिजर्वेशन से संबंधित समस्या है उसको आप सुनने के लिए आए। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। पदोन्नति के अंदर सर, रिजर्वेशन का आपके ऑफिसेज में क्या चल रहा है उसके बारे में नज़र डालें। सर, एक्चुअल ये जो समस्या खड़ी हुई थी जी, रिजर्वेशन एंड प्रमोशन जी, जो कहते हैं कि पदोन्नति में आरक्षण जी, ये समस्या पुरानी थी, लेकिन उस समस्या को कुछ जो लोग आरक्षण के विरोध में काम कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने एक 2006 में आदेश निकाला था। सुप्रीम कोर्ट ने एम नागराज वाले केस में एक वो दिया था कि भी इनको आरक्षण आर्थिक स्थिति पर मिलना चाहिए, तो उसमें तीन पॉइंट थे कि इनकी एफिशिएंसी देखी जाए, इनका कोटा देखा जाए कि इनका कोटा पूरा हुआ है कि नहीं हुआ, और इनकी आर्थिक स्थिति का समीकरण किया जाए, उसके बाद इस पर किया जाए। लेकिन वो आदत होते ही इन्होंने क्या किया, उस आर्डर की कभी इन्होंने समीक्षा नहीं की, न भारत सरकार ने की, न विभाग की जो विभागीय सरकारें हैं, जो मंत्रालय हैं, उन्होंने की कि भाई जो आदेश है, किस आदेश को रिजर्वेशन की जो हम बात कर रहे हैं इस आदेश में, और रिजर्वेशन इन्होंने तुरंत उसको इम्प्लीमेंट कर दिया और रिजर्वेशन को कैंसिल कर दिया, और हमारी पदोन्नति में हमारे हर कैडर के लोगों को पदोन्नति में जो फ़ायदा मिल रहा था वो उन लाभ नहीं मिल पा रहा। अब जब ये केस चलता रहा सुप्रीम कोर्ट में, उसकी लोगों ने अलग अलग डिपार्टमेंटों ने रिट डाली, और उस रिट डालने के बाद हमारा सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया, और आदेश जारी जब हुआ पहले नंबर तो वो स्टे हटा, जो स्टे इन्होंने 29 सितंबर 2016 में लगाया था, और DOPT ने 30 सितंबर 2016 में उसके आदेश किए थे कि भाई इसको स्टे कर दिया है, उस आदेश को हटा, और उसको आदेश को हटाने के बाद 15 जून को एक ऑर्डर किया सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई इनका आरक्षण लागू होना चाहिए। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आरक्षण लागू होना चाहिए और आज तक आरक्षण पूरा भी नहीं हुआ है, चाहे भाजपा सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, वो हमें लॉलीपॉप देती रही, लेकिन आज तक आरक्षण पूरा नहीं किया गया है। और जैसे हम कहते हैं कि SC के लिए 15% है, ST के लिए 7% है, 7.5%, और OBC के लिए हम कहते हैं कि 27% है, लेकिन उसमें हमारा रिजर्वेशन पूरा नहीं है, न हमारा 15% SC वाला कोटा पूरा है, न ST वाला पूरा है, न OBC वाला पूरा है। और जो बात करते हैं कि भाई हमारा रिजर्वेशन, मैं तो ये कहने में कोई संकोच नहीं करूँगा कि जो 85% कोटा है, 85% लोगों के लिए, वो 15% लोग खा रहे हैं, और ये आरक्षण नहीं है। आरक्षण का इन्होंने वो दे दिया, ये हमारा प्रतिनिधित्व है, बाबा साहब ने इसको प्रतिनिधित्व के रूप में लागू किया था, लेकिन प्रतिनिधित्व ये था कि जो भी जिस सरकार में जिसमें सरकार का पैसा खर्च होगा, जिसमें सरकार के आदेश जारी होंगे, उसमें SC और ST और OBC का प्रतिनिधित्व रहेगा। लेकिन आज ये प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, हमारा 15 जून को ऑर्डर निकल गया और इधर हमारी एसोसिएशन काफ़ी भाग दौड़ कर रही है, लेकिन इन्होंने जो भी अभी हमारे एक सीनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट होते हैं, जो उसका उसे प्रमोशन में यही बनाए जाते हैं, उन्होंने एग्ज़ाम के टाइम में भी उसमें रिजर्वेशन लागू नहीं किया है, नहीं पदोन्नति के टाइम में रिजर्वेशन लागू किया है, जब ट्रेनिंग दी है तभी भी इन्होंने रिजर्वेशन वालों को अलग से ट्रेनिंग नहीं दी है। तो इनकी मानसिकता SC ST के खिलाफ है, और उस खिलाफ के लिए हम आपके मीडिया के माध्यम से हम भारत सरकार को, DOPT को,
और अपने मिनिस्ट्री ऑफ INV को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो हमारे साथ जिस तरीके से गहरा भेदभाव किया जा रहा है, क्योंकि हमारी जो वैकेंसी हैं उनको पूरा नहीं किया जा रहा, पदोन्नति में अभी हमारे यहाँ एक एग्ज़ाम हुआ SC ST के लिए, उसमें इन्होंने आरक्षण को लागू नहीं किया और जो कट ऑफ मार्क है हर डिपार्टमेंट में, चाहे उसमें रिजर्वेशन की पोस्ट हो या ना हो, लेकिन उसमें जो कट ऑफ मार्क है SC की वो अलग होती है, ST की अलग होती है और सामान्य वर्ग की जनरल कैटेगरी की वो अलग होती है, ओपन वालों की अलग होती है। तो अब इन्होंने क्या किया कि उसमें भी इन्होंने हमारे प्रसार भारती ने उसमें बहुत बड़ा घोटाला किया है और इतना बड़ा घोटाला किया है कि उसमें वो जो कट ऑफ मार्क है वो लागू नहीं किया है। जनरल की 35% जनरल की कट ऑफ मार्क करके टोटल एग्ज़ाम किया, उसमें न SC का कट ऑफ मार्क अलग दर्शाया है और न SC का ST का दर्शाया है। इस तरीके से हमारे यहाँ खुलेआम भेदभाव किया जा रहा है। अभी एक एग्ज़ाम इन्होंने प्रशासन जो LDC UDC हेड क्लर्क ये होते हैं उसमें भी ये पदोन्नति नहीं दे रहे हैं और उसमें एक एग्ज़ाम किया उसमें भी रिजर्वेशन की कहीं बात नहीं की है, जबकि अब भारत सरकार बार बार रिजर्वेशन की बात करती है, बार बार बैकलॉग पूरा करने की बात करती है, लेकिन हमारे जो ये जो लोग बैठे हैं ये यहाँ आउटसोर्सिंग से आए हुए लोग हैं, दूसरे डिपार्टमेंटों के लोग हैं, इन्होंने अपने डिपार्टमेंटों में खुद भ्रष्टाचार किया है और भ्रष्टाचार करके यहाँ आके वही भ्रष्टाचार की नीति अपना रहे हैं और उस भ्रष्टाचार को अपनाते हुए हमारे SC ST के लोगों को अपने हकों से वंचित कर रहे हैं। जैसे हम बात करें ऑन मेरिट में भी ये लोग कहते हैं ऑन मेरिट जो हमारे जो एम्प्लॉयज बाहर आते हैं टॉप के नंबर लेके आते हैं तो उन्हें वो ऑन मेरिट में नहीं रखते, वो कहते हैं कि नहीं तुम्हारा कोटा इतना ही है तुम्हें इस कोटे से नहीं जाएंगे। अरे भाई UPSC इतनी बड़ी संस्था है जो सिविल सर्विस कराती है, IPS FRN और ये पुलिस IAS IFS सारे बनते हैं, उसमें भी ऑन मेरिट लागू है, लेकिन हमारे आकाशवाणी हुआ दूरदर्शन हुआ इसमें वो चीज़ लागू नहीं है, क्योंकि ये जो लोग हैं हमारे आउटसोर्सिंग से आए हुए लोग यहाँ आके सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार कर रहे हैं और उससे हमारे SC और ST के लोग प्रमोशन से वंचित हो रहे हैं। मतलब से एक बात बताइए, आप दूरदर्शन आकाशवाणी में हैं, आपके ऑफिस के अंदर बैकलॉग की क्या वो है वो बताएं। देखिए बैकलॉग इतना पड़ा है कि अभी एक जो हमारी 2008 की करिया मुंडा की एक पार्लियामेंट कमेटी की रिपोर्ट है 1998 वाली जी। तो उस रिपोर्ट को अभी तक लागू नहीं किया जी। करिया मुंडा जो माननीय उसके चेयरमैन करिया मुंडा जी थे पार्लियामेंट कमेटी के चेयरमैन और वो SC ST के ऊपर उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की थी, उस रिपोर्ट जारी को आज तक हमारा जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय उसने लागू नहीं किया। अगर वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाती तो आज हमें बैकलॉग की ज़रूरत नहीं पड़ती, बैकलॉग पूरा ये टाइम से टाइम करते, लेकिन आज ये हमारे बैकलॉग को सामान्य श्रेणी से भरते जा रहे हैं, जिसमें जो कि खुला एट्रोसिटी हो रहा है हमारे साथ और ये खुला जातिवाद करते हुए भेदभाव करते हुए और ये बैकलॉग को नहीं भर रहे हैं। बैकलॉग की जगह पर ये जैसे हमने सामान्य वर्ग के लोगों को भर रहे हैं, आउटसोर्सिंग से सामान्य लोगों को भर रहे हैं और इतना ही नहीं कि ये इनका बस चले तो ये आकाशवाणी और दूरदर्शन से हमारे लोगों को तुरंत निकाल दें, इस तरीके की इनकी स्थिति है। आप थे OP गौतम साहब जिन्होंने बताया कि रिजर्वेशन में आरक्षण बहुजन समाज के लोगों को SC ST OBC के लोगों को नहीं मिल पा रहा है और कहीं ना कहीं ये सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना भी हो रही है, उसकी मजाक भी उड़ाई जा रही है। SMN से बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, आपका चैनल हमारे प्रसार भारती पर आया और आपने हमारी बात सुनी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस अपने चैनल के माध्यम से भारत सरकार तक हमारी बात को पहुँचाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर।